गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 गवर्नमेंट जॉब इन योर पॉकेट। और शुरू हो चुका है शाम को गेम चेंजर बैच जो मैं लेकर आ रहा हूँ, जिसमें मैं लास्ट के 6 मंथ के जितने भी करंट अफेयर हैं इस साल के, वो सारे हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे इस सेशन में। तो बिल्कुल ये सीरीज चल पड़ी है और उस शाम को हम लोग यहाँ पे चलेंगे गेम चेंजर बैच में। और गेम चेंजर बैच मेरा लॉन्च भी हो चुका है, जिसमें मैं आपके लिए पेड बैच भी लेकर के आया हूँ। और adda247.com के लाइव क्लासेस में आप जाएंगे तो आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं पूरी तरीके से दो दिन में आपको बैंकिंग के कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। दोस्तों 2 दिन आपको बैंकिंग का प्योर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा। वीक में आपकी 6 दिन क्लास होगी संडे को छोड़ के। उसके बाद यहाँ पे अगर 2 दिन देखा जाए, 2 दिन पूरे करेंट अफेयर पढ़ाए जाएंगे। और उसके बाद 1 दिन जो है, एक क्लास आपकी जो है कि 5वें दिन जो है बर्निंग इशू, जो पूरे वीक के होंगे, वो बर्निंग इशूज जो आपके इंटरव्यू में और इंग्लिश के पैसेज में आते हैं वो सारे डिस्कस किए जाएंगे, क्लोज टेस्ट में जो आते हैं। और उसके बाद 1 दिन स्टैटिक जीके, जो आपके आने वाले सभी एग्जामिनेशन में काम करेगा, चाहे SSC हो, रेलवे हो, बैंक हो, IAS तक के। तो कंप्लीट जनरल अवेयरनेस का बैच आपके लिए गेम चेंजर बैच आ गया है। बस आपको करना क्या है, adda247.com पे जाना है और Y162 कोड यूज करना है। इस कोड को याद रखिए, वहां पे नहीं दिया होगा, इसी कोड पे आपको मिलेगा 47% का डिस्काउंट। 42% का डिस्काउंट तो इस कोड पर है। अगर ऐप के थ्रू जाएंगे, याद रखिएगा ऐप के थ्रू जाइएगा, तो 5% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करेंगे, यूज क्वाइंस मिलेंगे, क्वाइंस को यूज करना होगा आपको, ठीक है। अगर ऐप डाउनलोडेड है तो अपग्रेड कर लीजिएगा, अपडेट करते ही क्वाइंस आ जाएंगे। चाहे आप महापैक लीजिए जिसमें सारे बैचेस एक साथ मिल जाते हैं, चाहे आप लाइव क्लासेस लीजिए अलग अलग सभी टीचरों के, चाहे टेस्ट सीरीज लीजिए, वीडियो कोर्सेज लीजिए, ई बुक्स लीजिए, सभी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। सारे आपके फेवरेट फैकल्टियों के और सारे आपके एग्जामिनेशन के बैच यहाँ पर अड्डा स्टोर पे चले जाइए, store.adda247.com पे, या फिर यहाँ नीचे लिंक जो दी हुई है adda247.com लाइव क्लासेस, कहीं भी चले जाइए, आपको सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। दोस्तों बात यहाँ पे क्लियर है, आप लोगों को आवाज आ रही है तो बिल्कुल यहाँ पे बताइए कि यस सर आवाज आ रही है ना। तो बिल्कुल यहाँ पे अगर आवाज आ रही है तो बिल्कुल आप लोग बताते चले कि यस सर आवाज क्लियर है, ठीक है। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पे मैंने भी चेक कर लिया, ये बिल्कुल प्रकाश वत्सी, ये Y162 कोड मेरा कोड है, तो इस कोड को वहां पे यूज करेंगे तो जनरली देखिए 25% का डिस्काउंट मिलता है, लेकिन इस समय ऑफर चल रहा है भैया 47% का डिस्काउंट। तो Y162 कोड वहां नहीं दिया होगा क्योंकि ये मेरा कोड है, तो मैं बता रहा हूँ कि इस कोड को यूज करिए, किसी का भी बैच लेंगे आपको बेस्ट डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 12 बजे मेरी मंडे से फ्राइडे भी क्लास होती है, जिसमें मैं प्योर बैंकिंग पढ़ाता हूँ, ठीक है। 1:30 बजे मेरा बर्निंग इशू का शो होता है यूट्यूब पे, जिसमें मैंने आज FDI, FII और चाइना की पूरी चिंताओं को डिटेल में बताया है, तो बर्निंग इशू के शोज भी देख सकते हैं। 12 बजे मेरी क्लास होती है, 1:30 बजे भी मेरी क्लास होती है। चलिए तो ये तो उनकी इन्फॉर्मेशन है, आगे बढ़ते हैं। और ये 6:45 की क्लास में हम लोग करंट अफेयर की जो सीरीज चला रहे हैं उसका पहला क्वेश्चन है कि दुनिया के सबसे कम उम्र 34 वर्ष के प्रधानमंत्री फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया। फटाफट आपको आंसर करना है कि किसे चुना गया, क्लियर है। एक मिनट, कोई कह रहा है कि सर वॉइस लो है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, अगर वॉइस लो होगी तो मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा, ठीक है। चलिए एक मिनट, अभी वॉइस क्लियर होगी तो बताइएगा कि यस सर क्लियर हो गई वॉइस, ठीक है। तो बिल्कुल वो एक लेडी हैं, बहुत ही कम उम्र की, और पूरी दुनिया में इस समय ग्लैमर के लिए भी अपने जाने जाती हैं। कई देशों के राष्ट्रपतियों ने, किसी देश के राष्ट्रपति ने उनके ऊपर कमेंट कर दिया था, बाद में बहुत ज्यादा ट्रोल भी हुए वो शख्स। तो बिल्कुल यहाँ पे आंसर बनेगा सना मरीन, सना मरीन। और अभी याद रखिए फिनलैंड के साथ एक ग्रीस में भी पहली बार कोई फीमेल राष्ट्रपति बनी है, वो कौन है भाई ग्रीस में, तो वो बनी है कैटरीना का। आप अपने देश की कैटरीना से याद रख सकते हैं कि कैटरीना, उनका पूरा नाम सकेला करके कुछ है, तो याद रखिएगा कि कैटरीना जो है बनी है वो ग्रीस की नई राष्ट्रपति। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अ सोरो बियॉन्ड ड्रीम, अ सोरो बियॉन्ड ड्रीम्स बुक के लेखक कौन है। तो बिल्कुल यहाँ पे आंसर बनेगा दोस्तों पीटर हैंडके, कौन है पीटर हैंडके। पीटर हैंडके को याद रखिएगा आप कि यही वो शख्स हैं जिनको 2019 का नोबेल प्राइज मिला है इसके लिए, क्या कहते हैं, साहित्य के लिए, यानी लिटरेचर के लिए। एक चीज और याद रखिएगा कि लिटरेचर के लिए पिछले साल कोई अवार्ड नहीं दिया गया था,
क्योंकि पिछली बार की जो जजों का पैनल था नोबेल प्राइज का, वो मी टू कैंपेन में फंस गया था, वुमेन्स एक्सप्लॉयटेशन वाले में। तो इस बार 2018 का भी नोबेल लिटरेचर प्राइज दिया गया था, किसे दिया गया था दोस्तों? ओल्गा टुकरजुक को दिया गया था। किसे? ओल्गा टुकरजुक को दिया गया था। तो ये लेडी को दिया गया था, पिछले साल ही दिया जाता, लेकिन ये फंस गई, इनका जो जजों का पैनल था ये मी टू कैंपेन में फंस गया, यानी कि वो लड़कियों को ऑफर दे रहे थे कि हम तुम्हें अवार्ड दिलवा देंगे। तो इस तरीके के आरोप में वो जब फंस गए तो फिर उनको हटा दिया गया, पूरा पैनल ही खत्म कर दिया गया। वो हैज बीन अवॉइडेड द इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन फॉर 2018 या 2018 के लिए राष्ट्रीय एकीकरण के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों ए, चंदी प्रसाद भट्ट, जो चिपको आंदोलन के बहुत बड़े गांधीवादी पर्यावरणविद नेता माने जाते हैं। जो चिपको आंदोलन क्या है, अपने वॉलंटियर्स को लेकर के वो पेड़ों से चिपक गए थे कि पेड़ों को कटने नहीं देंगे, जंगल को कटने नहीं देंगे, हम अपने पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। अभी आपने मुंबई में ये केस देखा था कि मेट्रो के लिए जो वहां पे जंगल काटे जा रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और द डॉन अवार्ड इज द स्पोर्ट्स हाईएस्ट इंडिविजुअल ऑनर ऑफ विच कंट्री? डॉन पुरस्कार किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है दोस्तों? तो भाई वर्ल्ड कैपिटल ऑफ वर्ल्ड स्पोर्ट्स कैपिटल जिसे कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया, वहां पे डॉन पुरस्कार एक ऑस्ट्रेलिया के स्पोर्ट्स पर्सन को दिया गया है। आप लोगों को बस बताना है कि वो डॉन प्राइज किसे दिया गया है, है ना? पहले क्रिकेट खेलती थी, बाद में वो खेलने लगी टेनिस, और टेनिस में भी उन्होंने ग्रैंड स्लैम दिलाया ऑस्ट्रेलिया को। तो बिल्कुल यहाँ पे बताइए, आई विल बी द गेम चेंजर कह रहे हैं क्लास डेली इस टाइम पर, बिल्कुल इस टाइम पर 6:45 पर ये क्लास आप लोग को मिलेगी दोस्तों। तो भारत ने राजस्थान में सड़क संपर्क में सुधार के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ $190 मिलियन के एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? याद रखिएगा कि पिछले साल जितने भी क्वेश्चंस ऐसे आए हैं कि राजस्थान को, उड़ीसा को, गुजरात को, महाराष्ट्र को किस वजह से लोन दिया गया, किस इंटरनेशनल बैंक ने लोन दिया और कितना लोन दिया, ये तीन चीज जरूर पूछा गया। तो याद रखिए, रोड कनेक्टिविटी के लिए दिया गया 190 मिलियन का दिया गया, राजस्थान को दिया गया, और किस बैंक ने दिया है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया है। ऐसे क्वेश्चंस कहीं भी दिखे, कभी भी दिखे, रट लो, को दो दो क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे तुम्हें, ठीक है? तो कभी भी कोई इंटरनेशनल बैंक तुम्हारे देश के किसी राज्य को लोन दे रहा है, क्यों दे रहा है, कितना दे रहा है, याद रखना है। बुक्स एंड ऑथर्स एक नंबर आता है, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक 10 स्टडीज इन कश्मीर हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स? 10 स्टडीज इन कश्मीर हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो बिल्कुल यहाँ पे कश्मीर है ना, कश्मीर में KASH है, और यहाँ काशीनाथ पंडित में भी KASH है। तो काशी से कश्मीर, काशी से कश्मीर पहुंच जाओ, दोनों में काश है, तो इस तरीके से याद कर लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, याद एग्जाम में आ चुका है। Who has been appointed as the chairman of Airport Authority of India? Airport Authority of India के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अरविंद सिंह को नियुक्त किया गया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। Recently, India has handed over second pair of Mi-24 V helicopter to which country? हाल ही में भारत ने Mi-24 V helicopter की दूसरी जोड़ी किस देश को सौंपी है? तो यहाँ पे ये बात याद रखिए, किसे सौंपी है, तो यहाँ पे आप याद रखना है अफगानिस्तान हमारा मित्र देश है, तो Mi-24 V helicopter की एक जोड़ी जो है हम लोगों ने दे दी है अफगानिस्तान को, ताकि अफगानिस्तान अच्छे से डील कर सके पाकिस्तान के द्वारा बनाए गए टेररिस्टों को, और तालिबान को भी अच्छे से डील कर सके, क्योंकि अमेरिका वहां से पीछे हट रहा है, तालिबान के साथ समझौता कर रहा है, अफगानिस्तान को अकेले छोड़ रहा है। इंडियन रेलवे बिल बिकम वर्ल्ड्स फर्स्ट नेट जीरो कार्बन एमिटर भाई, यानी भारतीय रेलवे कब तक दुनिया का पहला नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बन जाएगा, यानी कोयले से उसका कोई इंजन नहीं चलेगा पूरी तरीके से, एक तरीके से कह लो ज्यादातर सोलर एनर्जी पे उसकी इलेक्ट्रिसिटी चलेगी, तो जीरो कार्बन इमिशन कब तक बन जाएगा? तो यहाँ पे आंसर है 2030 तक, 2030 तक, 2025 तक भारत टीबी मुक्त हो जाएगा, टीबी हारेगा देश जीतेगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री विल इंट्रोड्यूस वेब टैक्स ऑन डिजिटल जायंट फ्रॉम 2020? कौन सा देश 2020 से डिजिटल कंपनियों पर वेब टैक्स की शुरुआत करने वाला है? तो आंसर बनेगा दोस्तों इटली। इटली वेब टैक्स लगाएगा फेसबुक, व्हाट्सएप जैसी सभी कंपनियों पर, और ऐसा करने वाला वो पहला देश होगा।
आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, who has authored book Good Economics for Hard Times, Better Answer to Our Biggest Problem. इस बुक के लेखक कौन है? तो याद है इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स, बुरे समय में अच्छी इकोनॉमिक्स. और ये बुरा समय चल रहा है लॉकडाउन का, और शायद इसीलिए राहुल गांधी जी जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं उन्होंने नोबेल प्राइज विजेता किससे बात की है, नोबेल प्राइज विजेता अभिजीत बनर्जी से उन्होंने बात की कि इस समय क्या करना चाहिए. तो उन्होंने कहा कि अभिजीत बनर्जी ने कि देश के गरीबों को इस समय पैसे दे देने चाहिए, इससे देश के 15% गरीबों को अगर आप पैसे दे देते हो तो उससे कोई भी इन्फ्लेशन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि आपकी इकोनॉमी जो है कि मेंटेन हो जाएगी. तो इस तरीके का न्याय स्कीम भी जो कांग्रेस लेके आई थी अपने मैनिफेस्टो में, वो अभिजीत बनर्जी जी ने ही बताया था. तो अभिजीत बनर्जी को इस बार नोबेल इकोनॉमिक्स का प्राइज मिला है. 1998 में एक बार इंडियन को एक अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज मिला था अमर्त्य सेन को 1998 में जीडीपी और वेलफेयर कॉन्सेप्ट के लिए. और अभी फिर एक इंडियन को मिला है अभिजीत बनर्जी साहब को, इनको मिला है कि इनका जो प्रैक्टिकल अप्रोच रहा है गरीबी को ख़त्म करने का, इनके जो रिसर्च और सर्वे रहे हैं उसके लिए. ये झुग्गी झोपड़ियों में जाके रहते थे, सर्वे करते थे कि वैक्सीनेशन कैसे किया जाए, स्कूल की क्वालिटी कैसे बढ़ाई जाए, उसके लिए एक्सपेरिमेंट्स करते थे. और उसके बाद उन्होंने अपनी बुक्स में उसको लिखा, और इसकी वजह से पूरी दुनिया में जो एक बहुत ही नए नए कॉन्सेप्ट इन्होंने दिए. जैसे इन्होंने वैक्सीनेशन के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए. एक एक्सपेरिमेंट ये किया कि गाँव उस जितने भी स्लम एरिया के माँ लोगों से कहा कि अगर आप अपने बच्चे को वैक्सीन लगाने के लिए लाते हैं तो हम आपको 1 kg दाल देंगे, 1 kg पल्स देंगे. तो इससे क्या हुआ, माँ लोग आई उस लालच में, दाल महंगा है और उस दाल में प्रोटीन भी मिल गया, बच्चे को कुपोषण भी नहीं होगा और बच्चे को वैक्सीन भी लग गई, तो बच्चे का स्वास्थ्य भी सही रहेगा, देश का भविष्य है वो. तो इस तरीके से अभिजीत बनर्जी, उनकी वाइफ एस्थर डुफ्लो, इन दोनों लोगों को मिला इस बार का नोबेल का इकोनॉमिक्स प्राइज. पहली, यहाँ पे देख सकते हैं आप, पहली बार कोई इंडियन हस्बैंड वाइफ को यहाँ पे मिला. वैसे भी ये दोनों लोग अमेरिका में रिसर्च करते हैं, इनके एक फ्रेंड भी है माइकल क्रेमर. इन तीनों लोग को इसीलिए ये अवार्ड दिया गया था. ठीक है, अच्छा अभी एग्जाम में पूछ रहे थे LIC स्टेंट वाले एग्जाम में कि अभिजीत बनर्जी हैं कहाँ के. कई लोग कलकत्ता टिक करके आए क्योंकि बंगाली नाम दिखा, लेकिन ये मुंबई की पैदाइश है इनकी, यानी कि महाराष्ट्र की. तो बिल्कुल यहाँ पे यही याद रखिएगा. ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही है बात. चलिए, साउंड कम आ रही है तो बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा साउंड इंक्रीज करने की, है ना. चलिए, तो आवाज कम आ रही है तो अभी नहीं आएगी, अभी सही हो जाएगी, है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं. विच नेशन विल बी द होस्टिंग 91th सेशन ऑफ इंटरपोल जनरल असेंबली 2022. इंटरपोल महासभा के 91वें सत्र की मेजबानी कौन सा राष्ट्र करेगा? तो यहाँ पे आंसर बनेगा इंटरपोल 2022 में होस्ट इंडिया होगा. ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं. वो ऑर्डर द बुक टाइटल डिजिटल नेशन सॉल्विंग टेक्नोलॉजीज पीपल प्रॉब्लम, यानी डिजिटल नेशन बुक के राइटर कौन है यहाँ पे, ये आपको बताना है. तो बिल्कुल इसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था, इसलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है. और टाटा ग्रुप से रिलेटेड जितने लोग थे इन लोगों ने मिलकर ब्रिज और डिजिटल और इसके थ्रू कैसे देश मजबूत होगा इस पर ये किताब लिखी है, जिसमें रतन टाटा भी का भी योगदान है, एन चंद्रशेखर जो टाटा सन्स के इस समय जो है हेड है उसका भी योगदान है TCS के, और इस समय रूपा पुरुषोत्तम जो कि टाटा ग्रुप में जो बहुत बड़े पोस्ट पे हैं, रूपा पुरुषोत्तम, ये तीनों लोगों का योगदान है इस बुक में. तो इसलिए ये तीनों लोगों का नाम याद रखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था तो ये भी बात याद रखना है आपको. ठीक है, क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं. दबंग दिल्ली को हराकर प्रो कबड्डी का खिताब किसने जीता? तो बिल्कुल यहाँ पे बंगाल वॉरियर्स ने जीता है. अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि इस बार का वो वाला जो बैडमिंटन वाला लीग हुआ था वो किसने जीता, फटाफट बताइएगा. बिल्कुल निशांत शर्मा, EPFO हो, SSC हो, रेलवे हो, दोस्त चाहे बैंक हो, करेंट अफेयर में तो कोई चेंजेस नहीं होते हैं, और जो इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर हैं वो तो आपको कभी भी जो है कि आपके हमेशा काम आते हैं. चलिए, अब आपको बताना है कि एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1
से किस राष्ट्र को मुक्त घोषित कर दिया गया है, तो बिल्कुल यहाँ पे आंसर बनेगा इंडिया को H5N1 इन्फ्लुएंजा से मुक्त घोषित कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्रिकेटर का नाम बताइए जिसे स्पेनिश क्लब फुटबॉल के टॉप टीयर ला लीगा के ने भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। तो ला लीगा जो फुटबॉल क्लब है स्पेन का, उसने रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि पहली बार फुटबॉल क्लब ने किसी नॉन फुटबॉल प्लेयर को घोषित किया, वो भी इंडिया के क्रिकेट प्लेयर को घोषित किया, रोहित शर्मा को। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात होती है और इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। तो बिल्कुल यहाँ पे मैंने पूछा था क्वेश्चन जीता, प्रियंका बता रही बेंगलुरु रैप्टर्स ने जीता है, बेंगलुरु रैप्टर्स ने जीता है ये पे बता रहे, बहुत बढ़िया शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड्स फर्स्ट फुली इलेक्ट्रिक कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट टेक फ्लाइट इन, यानी पहली बार इलेक्ट्रिक फ्लाइट चला करके एक्सपेरिमेंट किया गया कि ये कैसे चलेगी। तो ये कहाँ पे पहली बार उड़ान भरी, उसने कम से कम आधे घंटे उड़ान भर के उसने ट्राई किया। तो ये कनाडा के वैंकूवर से उड़ान भरी गई थी, करीब 15 मिनट से आधे घंटे तक इसने उड़ान भरी और एक सफल जो है परीक्षण हुआ कि ये पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक कॉमर्शियल व्हीकल एयरक्राफ्ट भी आसमान की ऊंचाइयों पर बुलंदियों पर पहुंच सकता है बिना पेट्रोल और डीजल के। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उस भारतीय अभिनेता का नाम बताइए जिसे पेप्सिको ने भारत में कार्बोनेटेड पेय के अपने प्रमुख पेप्सी ब्रांड के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। तो यहाँ पे आंसर बनेगा दोस्तों पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान बन गए हैं, है ना, ये बात है। अच्छा भारत में इनकी मूवी भी आई थी तो ये भारत पे के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे उस समय। किस राज्य ने झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लाखों शहरी गरीब लोगों के लिए एक टाइटल डीड सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराने का एक अभियान चलाया और जिसे जगह मिशन कहते हैं, तो इसे वर्ल्ड आवास पुरस्कार जीता है जिसमें 50,000 से ज्यादा लोगों को, बेघर लोगों को जमीन आवंटित किए गए। तो उस सरकार का नाम बताइए, उस अच्छे राज्य सरकार का नाम बताइए, उस देश के राज्य के मुख्यमंत्री का नाम बताइए जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, एक अच्छे काम के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जीता है। तो बिल्कुल यहाँ पे आंसर बनता है मेरे प्यारे दोस्तों उड़ीसा के नवीन पटनायक जी, जो बीजू जनता दल से चुन के आते हैं और बीजू पटनायक जी के लड़के हैं और बीजू पटनायक एयरपोर्ट उड़ीसा में भुवनेश्वर का ही है, भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम है जहाँ हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था और अगला भी होगा। कलिंगा स्टेडियम कहाँ है, भुवनेश्वर में है। बीजू पटनायक एयरपोर्ट कहाँ है, भुवनेश्वर में है उड़ीसा। तो उड़ीसा में याद रखिए कि जितने भी मो से जो भी आपके योजनाएं हैं, जितनी भी योजनाएं हैं सब तुम्हारी उड़ीसा से ही हैं, है ना। तो जगह मिशन भी आपको याद रखना है, ठीक है, मधु ऐप भी याद रखना है, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए मधु ऐप मधुसूदन उनके ऊपर रखा गया था, जो उत्कल गौरव थे उड़ीसा के पहले ग्रेजुएट व्यक्ति थे उनके ऊपर रखा गया था। तो उड़ीसा बहुत अच्छे अच्छे काम करती है, उनको याद रखना होगा हमें। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने शराबबंदी और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार की योजना शुरू की है। अब बताना है आपको केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं कौन। पेटा अवार्ड भी मिला, मो जीवन मो परिवार बता रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मेरे चैंपियंस हो तुम लोग, ऐसे ही आंसर देते रहा करो। मैंने बस हिंट आप लोगों को दिया और आप लोगों ने पूरा यहाँ पे बहुत अच्छे से बता, चंपा चमेली रेस्टोरेंट शुभम सैनी बता रहे, बिल्कुल वहाँ पे भुवनेश्वर में रोबोट वाला शेफ वाला रेस्टोरेंट खुला था चंपा चमेली, उसके दो रोबोट थे जो खाना सर्व करते थे। बिल्कुल सही कहे आप शुभम सैनी जी। विवेक तिवारी भी बता रहे हैं भाई हमारे, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम भी भुवनेश्वर में हुआ था, प्रकाश बक्स बता रहे, बिल्कुल खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम भुवनेश्वर में भी हुआ था, कटक से जो है इसका इनॉग्रेशन मोदी जी ने किया था, ये बात याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पे मैंने आपसे पूछा है कि सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मंत्री कौन है, तो थावर चंद्र गहलोत जी हैं। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल विल बी हेल्ड इन रायपुर, रायपुर इज द कैपिटल ऑफ, यानी राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव रायपुर में आयोजित किया गया। रायपुर कहाँ की राजधानी है, तो बिल्कुल ये छत्तीसगढ़ की राजधानी है। क्वेश्चन तो ऐसे नहीं आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव कहाँ पे हुआ, तो वो छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ, ये बात याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान रानी रामपाल और पिस्टल शूटर कौन से प्लेयर हैं जिन्हें फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। तो भाई शूटर कौन है, हमारे सौरभ चौधरी जी खतरनाक शूटर हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वो अमंग द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड एज टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर, टाइम्स मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है, बहुत बड़ी स्कूल की से एक स्टूडेंट थी स्वीडन की ग्रेटा थनबर्ग, ग्रेटा थनबर्ग को पूरी दुनिया जानने लगी है ना, तो ये ग्रेटा थनबर्ग अभी हाउ डेयर यू स्पीच यूनाइटेड नेशन में उन्होंने दिया था, इसके लिए भी बहुत फेमस है। इन्होंने कहा कि खाली नेता लोग दुनिया भर के बात करते हैं क्लाइमेट पर लेकिन कोई एक्शन नहीं लेते हैं, बस इनकी बातें स्पीच में होती हैं, बाकी इनके जो एक्ट होते हैं वो सब ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने वाले होते हैं। तो बहुत बड़ी इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, तो इन्हें ही ग्रेटा थनबर्ग को इस बार का टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना था। पिछली बार किसे चुना गया था, एक सऊदी अरब के पत्रकार थे जो इस्तांबुल के में सऊदी अरब के दूतावास में एम्बेसी में जिनको मार दिया गया था सऊदी अरब के प्रिंस के इशारे पर, अमेरिका के वाशिंगटन पोस्ट के वो पत्रकार माने जाते थे, पूरी तीन देशों में तनातनी हो गई थी। तो पहली बार किसी को टाइम मैगजीन ने मरने के बाद पर्सन ऑफ द ईयर चुना था, वो थे जमाल खशोगी। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के अपराधों के लिए मौत की सजा देने और 21 दिनों के लिए ऐसे मामलों के परीक्षण में फैसले को तेज करने के लिए मार्ग प्रशस्त करने वाले दिशा बिल 2019 को मंजूरी दे दी है। तो दिशा बिल आप लोग को याद रखना है दोस्तों, दिशा बिल किसके, अभी जो वेटरन डॉक्टर थी दिशा उसका नाम रखा गया था, उस बच्ची का नाम कुछ और था लेकिन उस नाम को नहीं डिस्क्लोज किया गया क्योंकि नाम का दुरुपयोग भी हो सकता है, तो दिशा नाम उन्हें दिया गया था जिसको चार दरिंदों ने उनके स्कूटी को पंचर करके और फिर उनको जला दिया। बाद में उन्हीं चार दरिंदों को वहीं पे गोली मारी गई, ठीक उसी जगह पे जहां पे उन्हें जलाया गया था, इनकाउंटर हुआ उनका। तो ऐसे ही 21 दिनों में ऑन द स्पॉट फैसला करने वाला दिशा बिल किस राज्य की विधानसभा में पास हुआ था दोस्तों, तो जहां की घटना है वहीं पर पास हुआ था, यानी आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी जी मुख्यमंत्री हैं वहीं पर ये प्रोग्राम हुआ था, ठीक है, ये बिल पास हुआ था। वो रवीश कुमार जैसे अपने देश के खिलाफ बोलते थे, बिल्कुल रवीश कुमार जैसे बोलते थे अपने देश, यानी वहां के जो क्राउन प्रिंस थे उनकी सब जितनी भी चीजें जो छुपी हुई थी वो सब उजागर कर देते थे। अमेजॉन्स ऑडियो कंपनी ऑडिबल हैज लॉन्च्ड अ न्यू ऐप इन इंडिया, अमेजन की ऑडियो कंपनी ऑडिबल ने भारत में एक ऐप लॉन्च किया है और उसका आजकल बहुत एडवर्टीजमेंट भी आप देखते होंगे। तो उस ऐप का क्या नाम है, उस ऐप का नाम है ऑडिबल सुनो, जिसमें आप सारी स्टोरीज आप केवल सुन सकते हो स्टोरीज के रूप में, मतलब आपको देखने को नहीं मिलेगा सुनने को मिलेगा। तो आप कहानियों के सुनने के अगर शौकीन है तो आप सुन सकते हैं। विश्वनाथन आनंद ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, उस आत्मकथा का क्या नाम है, तो बिल्कुल विश्वनाथन आनंद हमारे ग्रैंड मास्टर रहे हैं बहुत साल, अब जी सुकेश का नंबर आ गया, कनेरू हम्पी का नंबर आ गया, वो लोग ग्रैंड मास्टर बन रहे हैं। तो भाई इन्होंने अपनी बुक लिखी है आत्मकथा जिनका नाम है माइंड मास्टर, बुक का क्या नाम है माइंड मास्टर, ऑटोबायोग्राफी खुद लिखी है, बायोग्राफी भी किसी के जीवन पे होती है लेकिन कोई और लिखता है। तो बिल्कुल ये सारे क्वेश्चंस थे और ऐसे ही मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक आधे आधे घंटे का एक एक घंटे का सेशन लेके आते रहूंगा दोस्तों। गेम चेंजर बैच शुरू हो रहा है, यहाँ पे 17 मई से आप लोग को ज्वाइन करना है, 42% डिस्काउंट चल रहा है Y162 कोड पे, प्लस 5% यानी 47% का डिस्काउंट चल रहा है इस समय, इस Y162 कोड को याद रखिएगा, वहां नहीं दिया होगा। गेम चेंजर बैच मेरा आ रहा है जिसमें मैं आपको सारे करेंट अफेयर बर्निंग इश्यू स्टैटिक जीके पूरा का पूरा एमसीक्यू बेस लेके चलूंगा। आपको adda247.com पे जाना है, लाइव क्लास में जाना है और इस बैच को ज्वाइन करना है। और कोई भी बैच ज्वाइन करिए, किसी का भी बैच ज्वाइन करिए, जैसे रीजनिंग का सौरभ सर का बैच है यहाँ पर, चाहे उड़ान बैच है संतोष सर का, चाहे सिद्धांत जैन सर का जीत बैच है यहाँ पे, दक्ष बैच है शांतनु सर का, आप उदिशा मैम का अंग्रेजी मीडियम बैच है, आशीष सर का वॉरियर बैच है जिसमें बैंकिंग कॉन्सेप्ट वो पढ़ा रहे हैं, मेरा गेम चेंजर बैच है, अक्षय अवस्थी सर का मैथ्स का सूरवीर बैच है। कोई भी बैच ज्वाइन करिए, किसी का भी बैच, किसी भी एग्जाम का बैच, कोई भी बुक, कोई भी मॉक टेस्ट, बस Y162 कोड याद रखना है जिसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। बाकी तो 25% ऑफ चल ही रहा है लेकिन Y162 कोड आप डालोगे तो आपको बेस्ट डिस्काउंट मिलेगा, यानी 47% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लियर है?
तो चलिए Y162 कोड यूज करना है आपको, अड्डा 247 पे जाइए या फिर यहाँ पे देखिए ऊपर store.adda247.com पे जाइए या गूगल पे अड्डा स्टोर आप जो है कि सर्च करिए तो भी आ जाएगा। बस लाइव क्लासेस सेक्शन में जाना है आपको, ठीक है। अड्डा 247 को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को कमेंट कीजिए जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती है, और इसे शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। दोस्तों थैंक यू सो मच, शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू ऑल।